कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सैनिटाइजर व मास्क के विक्रय शुल्क निर्धारित किए हैं, लेकिन मेडिकल संचालकों द्वारा काला बाजारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही मामला रसद विभाग की टीम ने एक बोगस ग्राहक भेजकर झलवाड़ के जन औषधि केंद्र पर जांचा, जहां 100 ml सैनिटाइजर की बोतल के 150 रुपए तथा मास्क के 25 रुपए कीमत वसूलना पाया गया, जिस पर झलवाड़ रसद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिटेक मेडिकल स्टोर जन औषधि केंद्र को सीज कर दिया तथा मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया। इस दौरान जिला रसद अधिकारी ने भी सभी मेडिकल स्टोर को सख्ती से चेतावनी दी है और निर्धारित शुल्क पर ही मास्क, सैनिटाइजर तथा अन्य दवाओं की बिक्री के सख्त निर्देश दिए हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड मास्क और सैनिटाइजर की रेट से ज़्यादा रेट पर बेच रही थी। हमने बोगस ग्राहक यहाँ भेजकर इन्होंने 100 ml के सैनिटाइजर की रेट 175 रुपये ली और 2 ply मास्क की रेट है जो 25 रुपये ली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और विधिक माप विज्ञान अधिनियम डिब्बा बंद पैक रूल 2011 के अनुसार उल्लंघन है। उसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है धारा 144 में। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयारियां तेज करते हुए अब जांचों का दायरा बढ़ाया है, ताकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सैंपलों की जांच हो सके। प्राचार्य डॉक्टर वी सरदाना ने बताया कि नई PCR मशीन से अब 2 पारियों में कोरोना के सैंपल जांच का कार्य किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पहली पारी में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक सैंपल जांच का कार्य किया जा रहा है। अब शाम के समय भी सैंपल टेस्ट किए जाने शुरू हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट रात 9 बजे तक आती है। सैंपल जांच के लिए अतिरिक्त स्टाफ को लगा दिए गए हैं। इनमें 2 टेक्नीशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, 1 private माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्मिक सेवाएं ली जाएगी। पूरे स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। कोरोना के कहर व लॉकडाउन के बीच कोटा MBS ब्लड बैंक से अच्छी खबर है। अब जरूरतमंदों को बिना डोनर भी ब्लड बैंक से रक्त दिया जाएगा, यानी जिनके पास डोनर नहीं होगा उन्हें बिना डोनर के ब्लड बैंक से रक्त मिलेगा। MBS ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर HL मीणा ने लॉकडाउन अवधि 14 अप्रैल तक के लिए ये व्यवस्था लागू की है, ताकि किसी मरीज को रक्त के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़े। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने व लॉकडाउन कारण निजी अस्पतालों के OPD बंद है। सरकारी अस्पतालों में भी गंभीर रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में रूटीन के ऑपरेशन टाले गए हैं, केवल इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में गिनी चुनी ही सर्जरी हो रही है। यही कारण है कि रक्त की खपत में करीब 40% की कमी आई है। पहले 80 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती थी, फिलहाल 50 यूनिट प्रतिदिन रक्त की खपत हो रही है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के भय व सरकारी ब्लड बैंक में रक्त की कमी की आड़ में शहर के कुछ निजी ब्लड बैंक भी रक्त संग्रहित कर रहे हैं। मोबाइल वैन के जरिए शहरों में घूमकर रक्त दान ले रही है, जबकि वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मरीज निजी में जाने के बजाय सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की आशंका के कारण मार्च महीने में 2-3 ही रक्तदान शिविर लगे थे, जिस कारण MBS स्थित सरकारी ब्लड बैंक में रक्त की कमी आ गई थी। ऐसे में रक्तदान करने की अपील की थी। कोरोना के खौफ को दरकिनार करते हुए शहर के लोगों ने छोटे छोटे समूह में रक्तदान किया। लॉकडाउन के दौरान सरकारी ब्लड बैंक MBS में 500 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। राजकीय चिकित्सालय MBS मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, क्योंकि काफ़ी मरीज इधर उधर से आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, बारा, बूंदी, झालावाड़, और इनको क्या है कि डोनर इनके साथ रिश्तेदार ने आप कर्फ्यू के कारण से, यानी कि लॉकडाउन के कारण से डोनर नहीं आ पा रहे, तो मैं उन्हीं को सबसे मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके साथ ब्लड डोनर्स की व्यवस्था नहीं हो उनको MBS चिकित्सालय ब्लड बैंक की तरफ से ब्लड उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत के कई छात्र देश विदेश में पढ़ रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र बड़ी संख्या में फंसे हैं। इनमें झालावाड़ के ज्वालरापाटन के छात्र भी शामिल है। ये छात्र एयरपोर्ट पर बैठे हैं और 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सभी छात्र अपने खर्चे पर भारत आना चाहते हैं, लेकिन हवाई सेवाएं बंद हो गई है। इन छात्रों के पास तो मास्क तक नहीं है। सभी एयरपोर्ट पर फंसे हैं और ये किसी तरह से भारत आना चाहते हैं। यहाँ अधिकतर छात्र हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ अब खाने पीने की राशन सामग्री भी खत्म होने के कगार पर है। अब इन छात्रों ने अपील की है कि इनको किसी तरह सुरक्षित निकाला जाए। मेरा नाम तरुण सिंह महान है। मैं यूक्रेन में मेडिकल सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे ही तरह काफी इंडियंस यहाँ पर पढ़ते हैं। इस कोरोना वायरस के टाइम पे हम अपने आप को यहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं नहीं, और हमारे यूक्रेन में सिर्फ एक ही डायग्नोसिस सेंटर है जहां कोरोना वायरस का टेस्ट होता है। यहां पे दिन सस्पेक्टेड बढ़ते जा रहे हैं, आदमी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के,
मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको यहां से इवैक्यूएट किया जाए या हमारे लिए फ्लाइट उपलब्ध कराई जाए। नमस्ते, मैं दिए व्यास, ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, ग्रीन के अंदर। यहाँ पर मेरे शहर ओडिशा में प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कोरोना से प्रिकॉशन के लिए। यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर भी 500 किलोमीटर दूर कीव में है, पूरे देश में सिर्फ एक। मास्क और सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ खतरा यह भी है कि अधिकतर बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़, जैसे आप बाकी देशों में अपनी पब्लिक और बच्चों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी कर लीजिए। हम सब यहाँ पर इंडियंस हैं और हम यूक्रेन में मेडिकल के स्टूडेंट हैं। हमारी तरह हजारों लोग यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो सब ये सब सेम प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। और हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर रोज़ कॉल करते हैं, पूछते हैं आप सेफ हैं या नहीं है सारी चीज़ें। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ एक्शन लिया जाए।